नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र पवार। और दोस्तों, फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार में। और दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक लेटेस्ट न्यूज़ समय से पहले प्राप्त हो सकेगी। और दोस्तों, वो भी पूर्ण विश्लेषण के साथ। तो दोस्तों, जो आज ये वीडियो है, ये सेकेंड ग्रेड से संबंधित न्यूज़ है। और दोस्तों, लगभग 3 सब्जेक्ट के जो पात्रता की जांच होने के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, वो लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके बारे में न्यूज, और जल्द ही उनको नियुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो ये इसमें आप देख सकते हो, अजमेर की न्यूज है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों का नया सत्र शुरू होने से पूर्व 9673 शिक्षक मिल सकेंगे। इन शिक्षकों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया है। आयोग शिक्षा विभाग के कर्मियों से इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच का कार्य करा रहा है। इसके पूरा होते ही आयोग इन शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा भेजने की कवायद शुरू करेगा। इसके संकेत आयोग अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने भी दिए हैं। आयोग की इस कार्य के प्रति गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शनिवार के दिन भी आयोग में फार्म जाँच का कार्य जारी रहा। जो फार्म के जाँच का कार्य आपको पता हो तो चल रहा है अभी। आयोग कार्मिकों के साथ शिक्षा विभाग के कार्मिक भी इस कार्य में लगे नजर आए। 8 विषयों के शिक्षकों की होनी है भर्ती। आयोग द्वारा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी, गणित और संस्कृत विषयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकेंड प्रतियोगी परीक्षा 2016 का आयोजन किया गया था। इनमें सर्वाधिक 3423 शिक्षक संस्कृत के हैं और 2203 सामाजिक विज्ञान विषय के, हिंदी के 1864 और गणित के 660 शिक्षक हैं। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के बाद इन सभी विषयों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। अभी आयोग में इन विषयों में सफल रहे अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र व दस्तावेजों की जांच का काम जारी है। आयोग में एक टीम इस कार्य में जुट गई है। ये टीम शिक्षा विभाग से या पहुंची है। टीम में संयोजक के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक कार्मिक दस्तावेज की जांच में जुटे हैं। आयोग सूत्रों के मुताबिक प्रथम चरण में उर्दू, पंजाबी और विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। मतलब दोस्तों, अब जो 8 विषयों का रिजल्ट आया है आपके, तो उनमें से जो उर्दू, पंजाबी और विज्ञान विषय, इनके लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। अब सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के आयोग को मिले विस्तृत आवेदन पत्र इस टीम को जाँच के लिए सौंप दिए गए। जाँच के बाद होगी नियुक्ति अनुशंसा। तो दोस्तों, इसके बाद में आपकी नियुक्ति लगभग संभव है। आयोग सूत्रों के मुताबिक विस्तृत आवेदन पत्र में दस्तावेज के जांच में सही पाए जाने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि प्रथम चरण में उर्दू, पंजाबी और विज्ञान के अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा भेजी जा सकती है। तो पहले नियुक्ति की अनुशंसा इन 3 विषय जिनका काम लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, उर्दू, पंजाबी और विज्ञान विषय के जो अध्यापक लगेंगे सेकेंड ग्रेड के, उनके नियुक्ति की अनुशंसा लगभग भेज दी जाएगी। किस विषय के कितने शिक्षक मिलेंगे? आयोग द्वारा 8 विषयों के लिए 9000 से अधिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा ली गई थी। इस भर्ती परीक्षा में करीब 9.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग द्वारा अब अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। अलग अलग विषयों में सरकारी स्कूलों का कितने शिक्षक मिलेंगे, इसका ब्यौरा इस तरह है। ये आपको पता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। कर्मी संख्या, विशेष शिक्षकों की संख्या, विज्ञान 306, पंजाबी 27, सामाजिक विज्ञान 2203, अंग्रेजी 934, संस्कृत 3423, हिंदी 1864, गणित 3760, उर्दू में 56 है। नियुक्ति अनुशंसा जल्द भेजेंगे। शिक्षा विभाग के स्टाफ से विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच कार्य पूरा होते ही आयोग जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा भेजेगा। डॉक्टर राधेश्याम गर्ग अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन्होंने खुद कहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं जो आपको बताना चाहूँगा, जो राजस्थान सरकार कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मंडल, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है आज की, आप देख सकते हो इसमें, ये दिनांक 8 मार्च के साइन है इनके। और तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन लगा है और ये पूरा आदेश है किन किन को लगा है। कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मंडल, अजमेर की न्यूज़ है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक है, जो आदेश है इसके क्रमांक के अनुसार दिनांक 21 फरवरी 2018 की अनुपालना में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच हेतु लगाए जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 9 मार्च से अपनी उपस्थिति राजस्थान लोक सेवा आयोग में दे। तो दोस्तों, आपको पता है, देख लो इसमें, देख सकते हो आप इसमें जो अलग अलग पद है, ममता धाकड़ है, जो मंजू चौधरी, रेखा शर्मा है, इनको लगाया गया। प्रधानाचार्य अलग अलग, ये अलग अलग विद्यालय में लगाए गए, इनको लगाया गया है इसमें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जल्दी आपको
जो भी लगे उनको पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो उनके जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपके YouTube चैनल के बारे में कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक लेटेस्ट न्यूज़ समय से पहले प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।